हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हो गई सुबह। आज मौसम एकदम मस्त लग रहा है, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही है। दूसरी तरफ में हमारी मैडम जी को देखो, तंबू में सोई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत मज़ा आया है। और ये मुझे लगता है ना कि ससुराल में मैं पहली बार छत पे सो रही हूँ, वो भी इस तंबू में। वैसे मैं भी कभी उठ गई थी, बट मैंने सोचा आप सबको मैं दिखा देती हूँ। और बेबी मस्त एकदम सोया हुआ है, नन्ना जी भी हमारी सोई हुई है अभी, और सुबह सुबह की लालिमा यहाँ से दिख रही है ना। वाह, क्या मस्त नज़ारा लग रहा है। और ये समझिए कि प्राकृतिक जो हम लोग सोए हैं ना बाहर, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। और हम बोलता है कि शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम इस तंबू में भी छत पे सोई हूँ ना, कभी छत पे सोया ही नहीं थी। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही ऑसम, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे सब कुछ सोए थे, हम, सासू माँ, छोटी वाली ननद, ऊपर सबको देखिए, अभी देवर सोए हुए, इधर सब लोग बाकी सोया हुआ है। उठने से पहले फटाक सबको उठ गए, अभी माँ गए हैं नीचे, तो अभी हम भी चलते हैं नीचे, फटाफट से खाना वगैरह भी रेडी करते हैं, क्योंकि बहुत जोर की लगी है भूख, क्योंकि हमारा फास्टिंग था ना इसीलिए। और कल बेबी को लेकर ही बाबा दौड़ भाग करना पड़ा, फीवर था उसे हल्का हल्का, मतलब हल्का लहर का अंश हो गया है, वो भी मस्त है। ये देखिए से अंगड़ाइयाँ लिए जा रहा है। तो आप सब बताइएगा, इस तंबू में आप लोग सोए हैं कि नहीं सोए हैं? ये बहुत ही सुंदर है, ये हम लोग मंगवाए थे और आज यूज कर रहे हैं। आज यूज कर रहे हैं, मतलब पहले ही मंगाए, 4 साल बाद यूज कर रहे हैं। हाँ, एक काम करो, मजदाने ना इसीलिए मच्छर लगा, उसको मच्छर हटा दो थोड़ा। वो बार बार निकले थे ना मैया लोग घर में, इसीलिए दो मच्छर आ गया है, बट हटा दिए। निकलो, हाँ निकल गया। अरे पिटपिटवा रास्ता नहीं यार, जो सीधे मर्डर कर देता करंट वाला, सब मच्छर पार हो जाता। नहीं नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना ससुराल में छत पे रहो ऐसे। है तो बहुत लोग यहाँ पर, रात के टाइम बहुत गर्मी था ना, इसलिए हम इस टाइप का कपड़ा पहन लिए। हम चाह रहे फटाफट से नहा धो लेते हैं और फिर वगैरह पहन लेंगे। हम तो गाय जी नीचे सोए हुए थे, क्योंकि नीचे भी सोना बहुत जरूरी है, ऐसा भी जानते हैं कि गर्मी दिन में बहुत कांड होते रहता है। तो इसके चलते ध्यान देना पड़ता है सब कुछ। वो तो ऊपर सोया ही नहीं, वो नीचे तुरंत भाग गया। उसको ऊपर कभी सोया नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा लग रहा था इस टाइप में, तो वहाँ पंखा तक जाकर सोया, तो हम उसके चलते नीचे जाकर सोए हैं। लेकिन जो कुछ हो, बहुत मजा आ गया। थोड़ा सब देख लो, ये हमारे छत के ऊपर से नजारा, जो बैकग्राउंड फील्ड हम लोग खेलते हैं इधर लालिमा सूरज का। और बाकी यहाँ पर एक बगीचा है जो कि बड़ा अच्छा लगता है। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग पहले वीडियो शूट किया करते थे, हमेशा लाइव वगैरह यहीं से आते थे। जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे ना, वो बखूबी जानते होंगे, जो 5 साल पहले का होंगे उन लोगों को पूरा पता होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं, 7 दिन पहले यहाँ पर ज्यादातर हम करते थे, उसके बाद भी आप कुछ महीना तक किए थे, फिर कहाँ, उसके बाद छोड़ दिए थे। फिर तो उसके बाद हमारी गाड़ी जो थी कुछ अलग मोड़ पे आ गई थी कुछ लोगों की वजह से, बट अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। आप सब इतना सा प्यारा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल होना ही था। और एक चीज़ हमको भूल गए कि गला में क्या बनवाए, जो बनवाए थे वो दिखाए नहीं थे आपको। चलो गाइस, अब नीचे क्या देखते हैं, आदेश होगा मैडम जी से, कुछ काम है वो कर लें, इसके बाद में कपड़ा ऐसा भी सब आपको जो है ना सूख गया अच्छी तरह से। नहीं सूखा, थोड़ा धूप लगे था तब, तो नया नया कपड़ा है ना, हल्का धूप लगने लगते हैं। गर्म हो गया, खराब है पानी, नहीं कचरा हो गया, वो गर्दा पड़ा हुआ ना, बहुत ज्यादा धक्कल धुकर चल रहा था। हम लोग मैक्सो से लेकर सोए थे, जब मैक्सो से मच्छर नहीं मारा था, जाकर तंबू लगाना पड़ा था। कटोरी है कहाँ का, रुबी रखी हुई यहाँ पर आगे में। ससुराल में आते ही सब कुछ के खाना खा रहे थे, आप लोग खाए, आप लोग ले जा रहे हैं, हम बताइए तो ये कहाँ का एकदम ना इंसाफी हम लोग करते हैं। रात को जो हम लोग को अच्छा लगा ना खाना खाते सब बिना लाइट का, मत पूछो। लेकिन हम लोग गलती किए, क्लिप नहीं लिए थोड़ा सा, वो चीज लेते तो आप सबके भी बहुत अच्छा लगता देखने में। हो पाएगा तो ले ही लेंगे। क्या हुआ ना, चिट्ठी नहीं है कहा, चिट्ठी रे नहीं है, दिमाग खराब, देखो चिट्ठी नहीं है, नहीं है पर्स नहीं किया अभी तक, का करे थे अभी, तो जब फटाक से नहा धो लो ना, जब कुछ पानी पूरे तब फिर कुछ करी तरह ना काम, कोई मना किया है, जब फटाफट कर लो। इतना अच्छा लगा है बारे में, मेनू तो एकदम लहरी के जैसे लगा हुआ है। हमारे घर में पिछला साल इसी तरह का मेनू लगा हुआ था, लेकिन इस बार
फूल देना शुरू कर दिया है, फल नहीं दे रहा है, तो एक लाइन से जमीन में लगा है, यहाँ से लेके इधर देखो आप, भूख लगा होगा तो क्या करेगा, डू को लगी जोर की भूख, हंस रहा है और जाकर दादी से मांग लेगा, फिर से गया लहना गले, इस साग अच्छा है लेकिन यार बड़ा जल्दी फास्ट एकदम लहला जाता है, हाँ तभी थोड़ा सा समय लगेगा उसमें ना, फूल जितना हम लोग का खिलता है इतना यहाँ पर नहीं खिलता है ना, बहुत कम है, जितना इसमें झंझटा टहने लगा है ना, कम से कम तो अच्छा खासा निकलना चाहिए था, लपक रही है फिर अभी निकालिए खाना और आगे खाने के लिए भुजिया दाल और भात और साथ में ये हरा मिर्चा, हरा मिर्चा अच्छा लगता है, तब हरा मिर्चा को भून दीजिएगा ना तो बड़ा स्वाद आता है खाने में, बाबू का डुबू आ जा बेटा, बहुत सारा खाना है, बनाएंगे सब्जी भी नहीं बनाएंगे, नहीं बहुत सारा खाना नहीं है, नहीं खिलाता बस वैसे हल्का खाना बोले माँ भुजिया बना दीजिए, उसमें साग भी है करेली का सब्जी भी है, भूखला के बाद ना खाना का स्वाद अलग हो जाता है, वो पंखा टिप टप कर रहा है, आज अपने भैगनी का कर रहे हैं सेवा और तेल पानी हो रहा है और अचानक गर्मी लास्ट लास्ट तक एकदम हाक जा रहा है, एक इधर बदमाशी कर रहा है, कैसे हीरोइन बनबा, हो जाएंगे देखा था मामा के देखा था कि गोदी ले वाला कहा है बैठ रही था, ले गोदी ले वही तो चुप हो जाए, आज ते गुड़िया बना दो इसको, आज क्या बात है रवि आज खूब सेवा हो रहा है, दाढ़ी कब गया, दाढ़ी कब गया, मैं टांग पकड़ के अब जबरदस्ती गोल लगाएगा मेरा तो मौका नहीं मिलता है ना इसे, हाँ चलो दबाओ जोर जोर से उधर मोबाइल लेके खड़ा है वो ला बेटा, हाँ होने वाली शाम और ऐसे में सब लोग मम्मी सेव खिला रही है, और डुगू साहब का काम अपना लगा हुआ है बाजा और टीवी में, और दोनों भाई मिल के ना रिमोट में छीना छीनी करते हैं, लड़ते हैं दोनों, क्या हुआ छोड़ो ना मन का खा ले, और हमने कुछ आम लाया था और इस आम को देखते हुए बलवा देते हैं कुछ बनेगा इसका, अभी क्या करें मैडम, ते बोलो आम उबाल दो थोड़ा, जाते चार प्लेट डालना, नहीं कट था सिवो सुशी रखल था उसी में, और क्या कुकरी उबालेंगे ना, हाँ वो तो बात है, तीन पीस बचल है, अच्छा चलो तीन पीस काफी आम है, उसी को उबाल दो थोड़ा सा, कुकर उकाल चढ़े हो, बाबू को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ना तो मम्मी ली हुई है, तब तक इधर किचन में जो काम है थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, बस है कहाँ ज्यादा पानी कम कर देते हैं, और दाल ये दाल डाले हैं कुछ कुछ बनाएंगे, वाह आज लगता है आइटम बनेगा ना रवि, नहीं बनेगा जरूर बनेगा।
देखते हैं क्या क्या बनने वाला है आज। ये कुकर ढेर बड़ा लगे ना, बहुत दिन की आज क्या है? हम पढ़ा ली उसमें का आठवां क्लास में है, दिल्ली के कुकर है, डालते हैं में कितना दिन रहा और बाद यहाँ आ गया तो यहाँ रहेगा कितना दिन, बहुत मजबूत था, आज तक चल रहा है। वो कहाँ हुआ, खराब हो गया का? कौन लोहिया है? तो डालते हैं गंज में लिए थे आपको बनाने का। अरे बाप, इतना छोटा ना, अकेले रह ना, ये कुकर अगली लोहिया और वहाँ छोटा डेक्ची है, ते वो तसला है, कम डालते थे भात, ये भी है, ये भी डेक्ची है, वहाँ इसे छोटा था। सर ये पुरानी यादें फिर से हम लोग ताजा हो गया, ये जहाँ पहले पढ़ते थे उस टाइम का वहाँ सब दिखा रही है, कैसे कढ़ाई था, कैसे कुकर था, कैसे तसला था, याद करते तो अच्छा लगता है ना पुराने वाला चीज। पता है क्या करते थे पहले, कुकर में डालते थे दाल और तसला में भात, एक ही दाल भात तैयार, कुकर में ढुक जाता था। हाँ तो ऐसी ऊपर में डाल देता था आलू, और एक बार में दाल भात भूज जाए, चाहे अच्छा चोखा तैयार हो गया, आलू डाल देते ऊपर में, वाह एकदम शॉर्ट काम। हाँ बड़ा मस्त है, गांव जाते थे तो हम लोग बहुत मारते थे भैया। मारते थे काहेला मारते थे तुमको? पढ़ने के लिए। देख भाई देख, शिकायत का ही तो देख, और क्या बोलते थे, पहुँचाने देते थे, खोआ बना के पहुँचा देते थे, मछली बना के लेके जाते थे। क्या बात है, अरे ताजा हो रही है दिन पर दिन। क्या पहले हम लोग छोटा छोटा थे ना, तो कितना बोले हम, हम उसमें लगता है कि 10-12 साल, 6-7 साल गाय भैंस बहुत था, तो बेटा वहाँ पढ़ रहा है तो उसको पहुंचा देंगे, निमकी खजूर अथी बना के, मछली बना के, खोवा बना के बेटा खा के। पहले गांव में बहुत सारा गाय था, हमारे घर था दो गो भैंस था, दो गो गाय था, टूटुआ नाम था, मथुराई तीन गो भैंस, गाय था एक गैया ने बहुत दूध देवा वाले, बढ़िया गाय थी, कजेटी गैया थी ना, बहुत ही लता मार। यदि आपके साथ भी ऐसा कभी होता होगा कि मतलब पुरानी बातें फिर से दोहराया जाता होगा तो बहुत अच्छा लगता है, वो चीज याद करने में वो सुकून मिलता है ना कि बचपन में कुछ याद है, सासू मान लो कुछ हम लोग शेयर करते हैं ना बहुओं से, तो बेटे का टांग खिंचाई करने में बहुत मजा आता है। सबसे ज्यादा मार खाई है बबीता और पिंटू, हमारे हाथ है बहुत ज्यादा, इन लोग मार खाया है, नीलम ने मार खाया, नीलम ने मार खाया, अभी भी सबकी चहेती है, हमेशा रहेंगी भी, इसको सिर्फ डांट पड़ती थी और बस कभी मार नहीं पड़ जाता है, तो टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के, एक और अगर करते थे तो काम धाना में घास बटाने में इसको कभी जब स्कूल नहीं जाती थी तो हम भी छोड़ देते थे कि जाओ, और गांव में और पापा पढ़ो क्या, पापा मतलब मम्मी हम लोग को मारती थी ना तो पापा बहुत गुस्साते थे कि मार के टंगे तोड़ देंगे मेरे बेटी लोग को, ठेकना तो सबसे ज्यादा ना बेटी लोग को बाप इतना प्यार था, माँ बहुत कम प्यार करती, एंड फिर हम लोग खुद जानते मेरे पापा है ना मम्मी से ज्यादा हम लोग पापा प्यार किए हैं, बचपन से हम लोग बाहर रखे थे पढ़ाई, एक बार खेल रहे थे डोला पता और भुला दिया थी कान में के, हाँ कान में घुला दिए बबी, अच्छा तो हम मारने लगे तो मारने से वो कान में मिल जाएगा, मार नहीं सकते हैं तो फिर यही मार आपको बजेगा तो कैसा लगेगा। देख रही हूँ थप्पड़ लगे कान के नीचे मेरे बेबी को, मारना मत, सेम वही चल रहा है। तो दोस्तों ये सब थी ना पुरानी यादें, जो कि ऐसी यादें हैं जो कि दोहराने के बाद ना थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है कि हमने क्या किया था बचपन में, ऐसे बहुत सारे काम है जो हमने किए थे, और ऐसे सा है मम्मी बाद में बताइए अब आपको, रूबी के सामने नहीं, मैं तो ये गुस्सा मम्मी से पूछेंगे क्या क्या किए इनका बेटा, अच्छा लगता है तो सबकी पूरी फैमिली साथ में हम लोग है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कुछ चीजें जो हम दोहरा रहे हैं, माँ बता रहे हैं, अब ऐसी पति देव जी का भी तो हम लोग टांग खिंचाई शुरू करेंगे ना, क्योंकि मैं मायके में देखी थी जब मम्मी भाभी के लिए मतलब भैया के लिए तो भाई बहुत मतलब हंस रहे थे, तो वैसे हम सोच रहे कि चलो कितना अच्छा है ना बचपन की यादें बहुत अच्छी होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं वैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।